भारत और बांग्लादेश के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर के श्रीमंत माधव राव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला ग्वालियर में बने नए स्टेडियम में पहली बार होगा। वहीं बुधवार को खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी सुबह ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, अभिषेक शर्मा और रियान पराग पुलिस कारकेट के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच ग्वालियर एयरपोर्ट से होटल उषा किरण पैलेस के लिए रवाना हुए।